कैसे हो मेरे दोस्तों। हम आज बात करेंगे पांच ऐसे स्टार प्लेयर्स की जो केकेआर टीम टारगेट कर सकती है अपने छोटे पर्स के अकॉर्डिंग। देखो काम थोड़ा सा टफ है लेकिन उसी में तो अलग तरीके की किक होती है ना। 11 स्लॉट्स अभी भी भरने बाकी हैं और ट्रेड विंडो में जो तो कोलकाता एक्टिव हुई थी उसने तो सबको एकदम से सरप्राइज ही कर दिया था। चंद्रकांत पंडित नए हेड कोच है जिनका डोमेस्टिक कोचिंग रिकॉर्ड बहुत ही प्रोलिफिक है। अभी तक चंद्रकांत पंडित ने कोचिंग करते हुए मुंबई, विदर्भा और मध्य प्रदेश को रणजी ट्रॉफी का चैंपियन बनाया है। और सबसे बात है कि टीम में प्लेयर्स को बेस्ट ऑफ देयर एबिलिटी परफॉर्म करवाना, इसमें चंदू साहब को महारत हासिल है। प्लेयर नंबर एक केएस भरत। केएस भरत 20 लाख के बेस प्राइस में अवेलेबल है आईपीएल ऑक्शन 2023 में। आईपीएल 2022 में भरत दिल्ली कैपिटल्स में 2 करोड़ में ड्राफ्ट हुए थे लेकिन अब उन्हें रिलीज कर दिया गया है। इंडियन टेस्ट टीम सेटअप में भी ऋषभ पंत के बैकअप विकेट कीपर के रूप में केएस भरत पार्टिसिपेट करते हैं। बहुत ही अच्छे डोमेस्टिक सर्किट के प्लेयर हैं केएस भरत और टीम कोलकाता नाइट राइडर्स में ना आराम से ड्राफ्ट भी हो सकते हैं। विकेट कीपिंग बैट्समैन है जो बहुत ही बड़े एसेट हो सकते हैं टीम के लिए। इस पर्टिकुलर पोजीशन के लिए ना लास्ट टाइम टीम में बहुत से प्लेयर्स थे लेकिन फिर भी यहाँ पर टीम क्राइसिस में दिख रही थी। अब पर्स वैल्यू बहुत ही लिमिटेड है तो वहां पर केएस भरत एक की विकेट कीपिंग ऑप्शन हो सकता है कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए। वैसे सेम पोजीशन के लिए ना तमिलनाडु के ओपनिंग विकेट कीपिंग बल्लेबाज नारायण जगदीशन को भी टारगेट किया जा सकता है। प्लेयर नंबर दो सिकंदर रजा। रजा जिम्बाब्वे के स्टार ऑलराउंडर प्लेयर हैं जिन्होंने अपने गेम को बीते एक साल में बहुत ज्यादा इंप्रूव किया है। रजा आईपीएल ऑक्शन 2023 में 50 लाख के बेस प्राइस में लिस्टेड है। हाल ही में कंक्लूडेड आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2022 में भी ना रजा ने 8 मैचेस में 219 रन स्कोर किए थे जहां पर 147.97 की स्ट्राइक रेट आया था और तो और 10 विकेट्स भी स्कैल्प किए थे वो भी मुश्किल परिस्थितियों में सिकंदर रजा ने अपनी टीम के लिए। रजा टीम केकेआर के लिए एक सॉलिड पैकेज की तरह आ सकते हैं और टीम में बैलेंस को बनाने का काम भी कर सकते हैं। सिकंदर रजा इस समय लिमिटेड ओवर फॉर्मेट में अपनी सबसे ही अच्छी फॉर्म में दिख रहे हैं जहां पर वो मिडिल ऑर्डर में आकर जबरदस्त शानदार नॉक्स चिप इन करके दे सकते हैं और कंसिस्टेंटली रन बना रहे हैं। अगर रजा ऐड होते हैं केकेआर की टीम में तो फिर वहां से रिंकू सिंह और आंद्रे रसल के लिए भी बहुत ही बेनिफिशियल होगा अपने नेचुरल गेम को पिच इन करने में। और हां एक एडिशनल ऑफ स्पिन की वैरायटी भी ऐड ऑन करके देते हैं फिर वहां पर कांस्टेंटली विकेट्स को निकालने का काम करते हैं तो फिर एसेट जबरदस्त हो सकते हैं भैया सिकंदर रजा। प्लेयर नंबर तीन जॉशुआ लिटिल। देखो जब 2022 के क्रिकेट सीजन की बात आएगी तो फिर वहां पर आयरिश पेसर जॉशुआ लिटिल को आप नजरअंदाज का काम कर नहीं सकते हैं। फ्रेंचाइज क्रिकेट खेलकर एक अच्छा एक्सपीरियंस एक्वायर कर लिया है जॉशुआ लिटिल ने भी। किसी भी स्किपर के लिए उनके गो टू बॉलर हो सकते हैं जॉशुआ लिटिल। 26 T20 मैचेस खेले हैं जहां पर लिटिल ने 39 विकेट स्कैल्प किए हैं वो भी इंप्रेसिव इकोनॉमी रेट 7.58 के साथ और बहुत ही बढ़िया डेथ ओवर्स के बॉलर्स भी हैं लिटिल। ये पूरा रिकॉर्ड इनका 2022 का है। अभी करेंटली लिटिल भी 50 लाख के बेस प्राइस में लिस्टेड है आईपीएल 2023 के ऑक्शन में। T20 वर्ल्ड कप 2022 बहुत ही बढ़िया रहा था जॉशुआ लिटिल का जहां पर एक हैट्रिक इनिंग्स भी शामिल है जो उन्होंने न्यूजीलैंड जैसी धुरंधर टीम के अगेंस्ट ले ली थी। लेफ्ट हैंडेड पेसर है जो एक एडिशनल वैरायटी ऐड करके देते हैं टीम के पेस डिपार्टमेंट में तो बॉलिंग अटैक के लिए केकेआर फुल गन ब्लेजिंग जा सकती है बिडिंग वॉर मैन के लिए। प्लेयर नंबर 4 राहुल शुक्ला। राहुल शुक्ला झारखंड के स्टार बॉलर है जिनका डोमेस्टिक सीजन बहुत ही अच्छा रहा है। राहुल 20 लाख के बेस प्राइस में मिनी ऑक्शन 2023 में लिस्टेड है। वैसे तो राहुल बहुत समय से डोमेस्टिक का पार्ट रहे हैं और तो और राहुल आईपीएल कॉन्ट्रैक्ट भी बैक कर चुके हैं। राहुल शुक्ला केकेआर के लिए बहुत ही अच्छी हैंडी पिक हो सकते हैं। क्विक पेस पर बॉल को डिलीवर करते हैं और डोमेस्टिक की फॉर्म तो आईपीएल में अच्छी तरीके से शोकेस कर ही सकते हैं। वैसे टीम केकेआर में ना डोमेस्टिक प्लेयर को आप काफी देख सकते हो। शिवम मावी पे बहुत ज्यादा हैवी बिड किया था फ्रेंचाइज ने जो बहुत ही फ्रूटफुल रहा नहीं था। अब अगर टैलेंट को देखें और फॉर्म को भी कंसिडरेशन में ले तो वहां पर राहुल शुक्ला के लिए ना ब्रेक थ्रू सीजन केकेआर के लिए हो सकता है। वैसे इंडियन बॉलर की लिस्ट में से ना टीम केएम आसिफ को भी टारगेट कर सकती है ड्राफ्ट करने के बारे में सोच सकती है। आपका क्या मानना है कमेंट सेक्शन में हमें बताना। अब प्लेयर नंबर 5 की तरफ चलते हैं वो होंगे मनीष पांडे। पांडे जी 1 करोड़ के बेस प्राइस में लिस्टेड है मिनी ऑक्शन में। अब देखो यार एक सीजन हल्का चला जाने से तो आप ये नहीं कह सकते हो ना कि खिलाड़ी हटो बच्चो कर दो। मनीष पांडे मिडिल ऑर्डर में एक डिपेंडेबिलिटी को ऐड करके देते हैं और एक्सपीरियंस कैंपेनर तो है ही। लखनऊ सुपर जायंट से रिलीज हो चुके हैं मनीष पांडे और वैसे तो मिडिल ऑर्डर टीम केकेआर का सॉर्टेड दिखता है लेकिन एक एडिशनल आर्सेनल में एक्सपीरियंस कैंपेनर की तरफ अगर टीम केकेआर देखती है इनको तो फिर वहां पर मनीष पांडे भी कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए एक हैंडी पिक हो सकते हैं यार। अब आप भी हमें 5 अपने नाम बताना कमेंट सेक्शन में। मिला जुला
अब्दुल्ला के हिसाब किताब बना लिया जाएगा। अब केकेआर भी ना कोई लूज एंड्स नहीं रखना चाहेगी, आखिरी बार का आईपीएल कैंपेन तो खत्म ही हो लिया, लेकिन टीम अलग जज्बे के साथ हर नए सीजन में उतरती है। इसीलिए तो कोलकाता नाइट राइडर्स आईपीएल की तीसरी सबसे सफल फ्रेंचाइज है। तो अब आप अपना फीडबैक भी हमें बताना, फिर होगा क्या ना हमारे भी लिमिटेड ज्ञान का संचार सा हो जाएगा। कैसी लगी आपको ये वीडियो? अच्छी लगी होगी तो फिर वीडियो को लाइक और शेयर करना, और हाँ अगर कंटेंट अच्छा लगा हुआ ना तो फिर सब्सक्राइब करना हमको। मौज तो देखो उसी में है ना दोस्तों। फिर इतना सब कर दोगे तो बेल आइकॉन भी दबा देना, फिर जैसे ही हम वीडियोस डालेंगे ना आपको पता चल जाएगा कि स्विंग की वीडियो आ गई है। अच्छा तब तक ना अपना और अपने घर वालों का बहुत ध्यान रखना, वो बहुत इंपॉर्टेंट बात है। फिर मिलता हूं मैं आपसे, ठीक है।